Hello everyone. Today I'm talk about important five idioms which you can use, okay, on your daily basis. Five important idioms. Try to put these all idioms in your speaking. First is break the ice, okay. First idiom is break the ice, and its meaning is to get the conversation going. Okay, when you start any conversation and you use this idiom, which helpful to you to make your classes more in a better way. Okay, for example, starting English class with a joke, okay, starting English class with a joke or anything else you can put there, है ना? या फिर तुसी ये भी कह सकते हो starting class with a joke or interesting subject, ठीक है? Students like will help to break the ice. कि जदों किसी जोक दे नाल क्लास स्टार्ट की जाती है, है ना, तो वो स्टूडेंट की इस तरह हैल्प करूँगी जिमें आइस नू ब्रेक करना, जिमें बर्फ नू तोड़ना, है ना। तो कोई कन्वरसेशन यू कैन से वैन वी आर स्टार्ट एंड दैन यू से कि जे आप कोई भी कन्वरसेशन इस गल स्टार्ट करते हैं तो वह साढ़े लिए ब्रेक द आइस के बराबर होगी, यानी कि यू कैन से तुहाडे लिए वह वधिया होगी, ओके। एंड सैकेंड इंपॉर्टेंट ईडियम इज अंडर द वैदर, इट्स मोस्ट कॉमन ईडियम, अंडर द वैदर, ओके, यूज इट, इट्स मोस्ट कॉमन ईडियम अंडर द वैदर, इट मीन्स सीरियसली इल, ओके, जो तुम बहुत ज़्यादा बीमार होंगे हो, सिक कहने आप, है ना, जो तुम बहुत ज़्यादा बीमार होंगे तो उदो यूज करते आप अंडर द वैदर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सॉरी आई कैनॉट able to give answer to this question of sorry I cannot able to give answer of this question because I, ठीक है, की कह सकते हो, क्योंकि मैं वधिया नहीं हैगा, है ना, तो आप किवें इत्थे यूज करांगे because I feel अंडर द वैदर, ठीक है, आई फील अंडर द वैदर, या फिर तुम कह सकते हो सॉरी आई एम फीलिंग अंडर द वैदर एंड आई एम नॉट एबल टू कम टूडे, है ना, मैं ठीक नहीं हैगा इसलिए मैं नहीं आ सकता, ओके। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू एंड वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून एंड अंडर आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू एंड वंस इन द ब्लू मून, ठीक है, दो ईडियम अपने को, जिहड़ा ईडियम हैगा अपने को आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होंगे सडनली, अचानक, ठीक है, आउट ऑफ ब्लू का मीनिंग की होंगे अचानक, सडनली, यू कैन से आउट ऑफ द ब्लू I got a idea, अचानक मैनू ये आइडिया आया, ठीक है, या फिर तुसी ये भी कह सकते हो आउट ऑफ द ब्लू I drop my idea, अचानक मैं आपका ये आइडिया ड्रॉप करता, कैंसल करता, ओके। एंड वंस इन द ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून का मतलब होंगे रेयरली, कदे कदे, यू कैन से, ठीक है, कदे कदे, आई गो फॉर शॉपिंग, हाँ मैं शॉपिंग ते जाना बट वंस इन अ ब्लू मून, या फिर तू भी सेंटेंस चक सकते हो ना, वंस इन अ ब्लू मून आई गो फॉर शॉपिंग और आई वेंट फॉर शॉपिंग, ठीक है, इन्हां तुसी दोनों नू यूज कर सकते हो। सब तो इंपॉर्टेंट ईडियम है ये जिहड़ी स्पीकिंग दे विच आपां यूज कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून एंड
एंड आउट ऑफ द ब्लू सो ट्राई टू पुट ओके इन्हों दोनों तो स्पैशली बहुत वधिया तरीके पुट कर सकते हो ठीक है एक जो तो लास्ट हैगा है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये यूज होंगे ही होंगे फॉर एग्जाम्पल अपने को लास्ट वेटर लेट दैन नैवर वेटर लेट दैन नैवर मतलब बैटर डन दैन नॉट ओके किसी चीज़ को ना करन की बजाए है ना उन्हों तुसी कर लोगे वो बैटर है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई वेंट बैक टू कॉलेज एट 30 years old एंड फिगर्ड बैटर लेट दैन नैवर तुसी इहनू एक होर वधिया लाइन है आपां इक लाइन करदे हां जदों आपां किसे परसन नू डिस्क्राइब करदे हां फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ही ऑलवेज से 50% इज बैटर दैन 100% ऑफ नथिंग ओके वी कैन यूज इन स्पीकिंग 50% इज बैटर दैन 100% ऑफ नथिंग यू कैन रिप्लेस दिस लाइन ओके तुसी इस लाइन नू रिप्लेस कर सकते हो विद दिस ईडियम यू कैन रिप्लेस दिस लाइन विद दिस ईडियम बैटर लेट दैन नैवर ही इज रियली मोटिवेशनल स्पीकर फॉर मी ही ऑलवेज मोटिवेट मी ही ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड मी बिकॉज ही ऑलवेज सेज बैटर लेट दैन नैवर ओके लेट करना सही है एज कंपेयर टू ना करन दे एंड इसे लाइन नू रिप्लेस ये चीज़ कर दी है 50% इज बैटर दैन 100% ऑफ नथिंग एक होर ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी मैं थोड़ा दसूंगी हूँ स्पैशली वैन यू स्पेंड टाइम अलोन जो भी आप कहने कि आप अलोन टाइम स्पेंड करते हैं जो तुम अपने स्ट्रैस न दूर करना चाहते हो है ना अपने स्ट्रैस न दूर करना अपने माइंड न रिजुविनेट करना उदो आप कर सकते हैं ये लाइन यूज फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई इतने कुछ भी लिख सकते हो तुम वैन एवर आई विजिट इन कैफे और वैन एवर आई विजिट इन अ लाइब्रेरी और वैन आई एवर आई विजिट इन दिस किसी भी प्लेस जो विजिट करते हो वैन आई एवर आई विजिट इन अ कैफे आई शट आउट द होल वर्ल्ड इन माई ओन लिटल वर्ल्ड ओके इट्स रियली इंपॉर्टेंट लाइन इट्स रियली इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यूर स्पीकिंग वैन यू से वैन एवर आई विजिट कैफे आई शट आउट द होल वर्ल्ड इन माई लिटल ओन वर्ल्ड मैं पूरे वर्ल्ड में अपनी एक छोटी जी दुनिया च कन्वर्ट कर लेना विच इज़ रियली बेनीफिशियल फॉर मी टू रीजुविनेट माई माइंड ओके तो इस चीज़ को ध्यान च रखना है टमैरो आई मेक अ वीडियो ऑन which type of idioms you use in your task 2 writing task 2 okay and so please must watch this video and like the video thank you